हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच दिव्यम हियर। और इस वीडियो में हम समझेंगे सीन 2 ऑफ एक्ट 2 ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्ले द टेम्पेस्ट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सीन 2 कहाँ पे होता है? एक आइलैंड पे, और इसी आइलैंड पे रिसेंटली कुछ और लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ किंग्स, ड्यूक्स, उनके सर्वेंट्स, ये सारे लोग आ चुके थे। इफ़ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियोस, पहले वो देखिए और समझिए और फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि स्टोरी पूरा लिंक्ड है। आप अगर पुराने वीडियो समझोगे तभी ये समझ में आएगा। ओके, तो ये जो सीन है वो उसी आइलैंड पे है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये उसी आइलैंड पे है जहाँ पे सारे किंग्स और ड्यूक्स आ चुके थे, और ये उसी आइलैंड पे है जहाँ पे प्रोस्पेरो उसकी बेटी के साथ और एंजल एरियो के साथ और साइकोरैक्स का बेटा कैलिबैन के साथ 12 साल से रह रहा था। नॉट ओनली दैट, प्रोस्पेरो और मिरेंडा को जो है कहीं से फर्डिनेंड भी मिल गया था, एज वी ऑलरेडी अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट्स। अब ये सीन 2 है एक्ट 2 का, और ये आइलैंड उसी पर्टिकुलर आइलैंड के किसी और हिस्से में हो रहा है। तो ये देखते हैं क्या हो रहा है और क्या कॉन्वर्सेशन है। कैलिबैन जो कि एक मॉन्स्टर है, जो कि एक डेविल है, जो प्रोस्पेरो के लिए काम करता है, वो लकड़ियां लेने के लिए गया हुआ था, और सडनली उसको थंडरस नॉइस सुनाई देता है, और फिर वो कहता है कि इस आइलैंड के सारे डिसीज जो हैं वो प्रोस्पेरो के शरीर में आ जाए और प्रोस्पेरो बीमार हो जाए बुरी तरह से, क्योंकि हमें पता है कि कैलिबैन जो है वो प्रोस्पेरो को कितनी नफरत करता है। इफ़ आई टेल यू द बैकग्राउंड, प्रोस्पेरो जब आइलैंड पे आया तब कैलिबैन का जस्ट जन्म हुआ था। प्रोस्पेरो ने उसे खिलाया पिलाया, बड़ा किया, उसे शिक्षा भी दी, लेकिन वन फाइन डे कैलिबैन ने प्रोस्पेरो की बेटी मिरेंडा का रेप किया। उसके बाद प्रोस्पेरो ने कैलिबैन को सर्वेंट बना लिया और एक केव के अंदर बंद कर दिया, और वो कैलिबैन को बहुत सारा काम देने लगा। इसलिए कैलिबैन भी प्रोस्पेरो को बहुत नफरत करता था, और अभी वो सोच रहा है कि काश इस आइलैंड के सारे डिजीज प्रोस्पेरो के शरीर में आ जाए और वो इतना बीमार हो जाए कि वो चल भी ना पाए। और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सारे स्पिरिट्स जो हैं इस आइलैंड के वो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आई cannot हेल्प बट अब्यूज him। मुझे उसको बहुत गाली देने का मन करता है, प्रोस्पेरो को मैं बहुत नफरत करता हूँ। और वो सोच रहा है कि यहाँ के जा जो भी स्पिरिट्स हैं वो मुझे बार बार तंग करते हैं, वो मुझे डराते हैं, पिंच करते हैं, धक्का मारते हैं, मुझे मिसगाइड करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं प्रोस्पेरो का काम अच्छी तरह से कर सकूं। और कैलिबैन ये भी जानता है कि वो जो भी स्पिरिट्स हैं उस आइलैंड पे वो कोई ना कोई फॉर्म लेते हैं, बंदर का या किसी और एनिमल का या बग्स का, ऐसे अलग अलग फॉर्म लेके मुझे सताते हैं, मुझे पिंच करते हैं, मुझे बाइट करते हैं, कभी कभार वो पॉर्क्यूपाइंस बन जाते हैं, और जब मैं चलता हूँ तो मेरे जो फीट हैं, मेरे लेग्स हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बाइट करते रहते हैं, कभी कभार वो स्नेक बन जाते हैं और मेरे बॉडी को रैप कर लेते हैं, और दे हिस विद देयर टंग्स, उनकी जो जीभ है निकाल के मुझे सताते रहते हैं, तब तक सताते हैं जब तक मैं पागल ना हो जाऊं। अब कैलिबैन ये सब सोच रहा है, गाली दे रहा है, उसी वक्त कौन आता है? ट्रिंक्यूलो। अब देखिए इस प्ले में ट्रिंक्यूलो जो है ही इज अ जोकर, जिसको बोलते हैं जेस्टर। उसका काम है मजाक करना और राजा को खुश रखना और प्रजा को हंसाते रहना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैलिबैन उसको देखता है और कहता है कि देखो देखो कौन आ रहा है, ये कोई स्पिरिट है जो मुझे सताने के लिए आया है, और वो मुझे इसीलिए सता रहा है क्योंकि मैं जल्द से जल्द प्रोस्पेरो के लिए लकड़ियां लेके जाऊं। कैलिबैन कहता है कि शायद वो मुझे देख नहीं पाएगा, और वो कैलिबैन क्या करता है, जो भी क्लोक रहता है उसके पास, जो मैजिकल गारमेंट रहता है उसके पास, वो उसके अंदर छुप जाता है ट्रिंक्यूलो से बचने के लिए। और दूसरी तरफ ट्रिंक्यूलो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि यहाँ पे तो झाड़ियाँ भी नहीं हैं, पेड़ पौधे भी नहीं हैं, और वेदर देखो, वेदर कितना बेकार है, अब मैं कैसे बचूंगा ऐसे वेदर में। और यहाँ पे
हवाएं कितनी तेज बह रही है, मुझे हवाओं की विसल्स सुनाई दे रही है, और सामने जो क्लाउड है वो इतना डार्क है, ऐसा लग रहा है कि वो लिक्वर यानी कि दारू से भरा हो, दारू का एक जग हो, और कभी भी वो जग ओवरफ्लो होने वाला है, ऐसा लग रहा है। फिर ट्रिंक्यूलो की नज़र पड़ती है कैलिबैन के ऊपर। वो कहता है, अरे ये क्या है, इंसान है कि मछली है? और फिर वो सोचता है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही घटिया है, एक मछली की तरह उसकी स्मेल है। और ही स्टिंग्स जस्ट लाइक अ सॉल्टेड फिश, बहुत ही अजीब सी मछली है ये तो। वो सोचता है कि अगर मैं इंग्लैंड में होता और ऐसी मछली की तस्वीर बनाता तो कोई भी बेवकूफ मुझे पैसा दे देता, और इंग्लैंड में तो ऐसे मॉन्स्टर्स भी इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, कोई भी स्ट्रेंज बीस्ट वहां पे दिखा उसको भी इंसान ही माना जाता है। और वो सोचता है कि इंग्लैंड में किसी भिखारी को लोग पैसा नहीं देते, लेकिन ऐसे अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर को ज़रूर वो एटलीस्ट 10 सेंट्स तो दे ही। फिर ट्रिंक्यूलो कैलिबैन को देखता है कि ये जो भी है इसके पैर जो है वो इंसान की तरह है, लेकिन उसके हाथों की जगह वहाँ पे मछलियों की फिन्स हैं, बहुत ही अजीब है ये मछली। और फिर ट्रिंक्यूलो उसे टच करता है और कहता है कि अरे इसका बॉडी टेम्परेचर तो गर्म है। और फिर वो कहता है कि ये कोई मछली नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई रहने वाला है जो बिजली की वजह से मर गया है, और ऐसा लगता है कि बिजली अभी अभी उसके ऊपर पड़ी हो। जब ट्रिंक्यूलो वो सब सोच रहा है तो उसको बिजलियों की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वो कहता है कि अरे यार वापस स्टॉर्म आ गया, अब यहाँ पे कुछ है तो नहीं छुपने के लिए, तो बेस्ट ये रहेगा कि मैं उसके मैजिकल गारमेंट के अंदर, उसको पता नहीं है कि ये मैजिकल है, लेकिन वो सोचता है कि इसने जो भी पहना है उसके अंदर मैं छुप जाता हूँ, यहाँ पे और कोई शेल्टर तो है नहीं। और वो सोचता है कि इमरजेंसी जब आती है लाइफ में तो हम अजीबोगरीब लोगों से मिलते रहते हैं, तो वो सोचता है कि जब तक स्टॉर्म है तब तक मैं इसके कपड़ों के अंदर छुपा रहता हूँ, स्टॉर्म चला जाएगा मैं बाहर निकल जाऊँगा। स्टीफेनो आता है वहाँ पे, स्टीफेनो इज बटलर जिसे कहते हैं, बटलर यानी कि एक बड़े से घर में जो नौकर चाकर रहते हैं उनका मुखिया, उनका प्रमुख। अब ये स्टीफेनो जो है वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है इन दिस प्ले, हमेशा गाता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, और एज ऑफ नाउ स्टीफेनो गा रहा है और दारू भी पी रहा है, और वो क्या गा रहा है आइए देखते हैं। वो पहले गाता है कि मैं कभी सी में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि यार ये जो मैं गाना गा रहा हूँ बहुत सड़ा हुआ है, ये जो है अगर कोई मर जाता है उसके फ्यूनरल में गाना चाहिए। और वो कहता है कि एटलीस्ट मेरे पास दारू है मुझे कंफर्ट करने के लिए। फिर वो वापस पीता है और वापस गाना शुरू करता है। एंड एज वी ऑलरेडी नो, जो पिए हुए रहते हैं उनको ये पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। सिमिलरली स्टीफेनो भी कुछ ऐसे ही हालत में था और वो गा रहा है। वो कहता है कि मास्टर जो है डेक वॉशर है, बोट्सवेन और मैं, और जो गनमैन है और गनमैन का दोस्त, जितने भी यानी कि उसके दोस्त थे वो कुछ लड़कियों को चाहते थे, उनके नाम लिखे हुए हैं मॉल, मैग, मेरियन एंड मार्जरी, राइट। लेकिन वो कहता है कि कोई केट को नहीं चाहता था क्योंकि केट की जुबान बहुत गंदी थी, वो कुछ भी बोलती रहती थी, और वो सेलर्स को कहती थी गो टू हेल, और उसको शिप्स की स्मेल पसंद नहीं थी। लेकिन जब कोई सेलर उसके साथ इंटीमेट होता था, उसको बेड पे लेके जाता था, उसको पसंद था। यानी कि ये जो स्टीफेनो है बेवड़े की तरह कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी सोच रहा है, और स्पेशली वो ये सोच रहा है कि कौन सी लड़की किस सेलर के साथ जाती थी और किस लड़की को वो हेट करते थे। तो वो अभी केट के बारे में बात कर रहा है, वो कहता है कि केट किसी को पसंद नहीं थी और सबको गो टू हेल कहती थी, और जितने भी लड़के थे जितने भी सेलर्स थे वो भी उसको सामने कहते थे यू गो टू हेल, वी डोंट लाइक यू। और फिर वापस कहता है कि एटलीस्ट इन सब चीज़ों के बीच मेरे पास दारू है,
मुझे कंफर्ट करने के लिए वापस वो पीता है। कैलिबैन जो है वो सोच रहा है कि ये स्पिरिट्स हैं जो प्रॉस्पेरो के टीम में है और वो उसको सताने के लिए आए हैं। तो कैलिबैन शिवर कर रहा है और कह रहा है कि यार मुझे मत तंग करो, प्लीज़ लीव मी अलोन, डोंट ट्रबल मी। स्टीफेनो जो है वो कहता है कि क्या चल रहा है, यहाँ पे डेविल्स भी हैं। एक्चुअली स्टीफेनो जो है वो कैलिबैन को देखता है और सोचता है कि क्या तुम मेरे ऊपर ट्रिक्स कर रहे हो, क्या तुम मुझे अनसिविलाइज्ड इंसान दिखा रहे हो। मैं इसीलिए सर्वाइव नहीं किया उस शिप व्रेक से ताकि मैं तुम जैसे लोगों को देख सकूं। और स्टीफेनो कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं और मैं भागने नहीं वाला तुमसे। अब स्टीफेनो जो है वो नॉनसेंस बोल रहा है, बेसलेस इलॉजिकल चीज़ें बोल रहा है क्योंकि वो पिया हुआ है। कैलिबैन मनी मन सोच रहा है कि ये जो स्पिरिट है मुझे बहुत सता रहा है एंड ही मेक सम नॉइजेस, क्योंकि कैलिबैन भी डरा हुआ है। स्टीफेनो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई मॉन्स्टर है इस आइलैंड का, जिसके चार चार लेग्स हैं और ऐसा लगता है कि इसको सरदर्द है, इसलिए वो कांप रहा है, शिवर कर रहा है। और स्टीफेनो को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कैलिबैन जब ये कहता है स्पिरिट टॉर्मेंट्स मी, ओह, स्टीफेनो ये सुन लेता है और वो कहता है कि अरे इस मॉन्स्टर को हमारी भाषा कैसे पता है। एंड एज वी नो प्रॉस्पेरो ने ही कैलिबैन को सिखाई होती है भाषा, द नेटिव लैंग्वेज। स्टीफेनो को ये यकीन नहीं हो रहा है और वो सोचता है कि इसे हमारी लैंग्वेज कैसे पता। वो कहता है कि मैं इसको सिर्फ इसीलिए मदद करूँगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज सेम है, और ये जो फीवरिश सिम्टम्स हैं उसके बॉडी में मैं वो भी निकाल दूँगा, मैं उसको सहलाऊँगा और मैं उसको वापस नेपल्स लेके जाऊँगा और किसी एम्परर को ये भेंट दे दूँगा। कैलिबैन सोच रहा है कि प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, आई प्रॉमिस मैं लकड़ियाँ जल्दी लेके जाऊँगा प्रॉस्पेरो के पास। स्टीफेनो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उसको फिट्स आई है, फिट्स इज़ अ डिजीज़ जिसमें लोग कांपते हैं और चिल्लाते हैं। तो स्टीफेनो कहता है कि शायद इस मॉन्स्टर को बीमारी हो चुकी है इसलिए वो नॉनसेंस बक रहा है। स्टीफेनो सोचता है कि चलो इसको थोड़ी सी दारू पिलाते हैं, इसने कभी पी नहीं होगी और शायद दारू पीने से इसका फीवर निकल जाए और मैं उसके बाद इसको सहलाऊंगा और उसको एम्परर के पास ले जाके एम्परर को देने के लिए मैं बहुत सारी फीस लूंगा एम्परर से, और जो पर्सन इसे ओन करेगा, जो पर्सन इसे खरीदेगा वो भी माला माल हो जाएगा, बिकॉज पीपल लुकिंग एट दिस मॉन्स्टर वुड पे अ लॉट ऑफ फीस। कैलिबैन सोच रहा है कि तुमने मुझे उतना हर्ट नहीं किया है लेकिन तुम मुझे करोगे, मुझे पता है तुम कांप रहे हो, उसी से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे हर्ट करने वाले हो। अब देखिए स्टीफेनो भी पी रहा था, स्टीफेनो शिवर कर रहा था क्योंकि उसने बहुत सारी पी ली थी और कैलिबैन शिवर कर रहा था क्योंकि वो डर रहा था। तो कैलिबैन को लग रहा है कि ये जो दोनों लोग हैं कोई तो स्पिरिट हैं जो कि आइलैंड पे रहते हैं और प्रॉस्पेरो के पक्ष में है, इसलिए कैलिबैन को सताने के लिए आए हैं। तो कैलिबैन सोच रहा है कि तुमने मुझे हर्ट तो नहीं किया लेकिन मैं इजीली कह सकता हूँ कि तुम मुझे करने वाले हो और प्रॉस्पेरो ने तुम्हें भेजा है। स्टीफेनो कहता है, और स्टीफेनो जो है वो कैलिबैन को दारू पिलाने लगता है। वो कहता है कि चलो चलो अपना मुंह खोलो, दारू पियो, ये तुम्हें बोलने के लिए मदद करेगा, ओपन अप, दिस विल स्टॉप यू फ्रॉम ट्रेम्बलिंग, तुम्हारे सारे सिम्टम्स फीवरिश सिम्टम्स निकल जाएंगे, मैं 100% कह सकता हूँ। तो कैलिबैन अपना मुंह खोलता है और दारू पीता है, बहुत सारी दारू पी लेता है। और फिर स्टीफेनो कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त कौन है, चलो चलो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें दारू पिलाता हूँ। ट्रिंक्यूलो जो है वो छिपा हुआ है उसी के कपड़ों के अंदर, तो अंधेरे में है और ट्रिंक्यूलो सोचता है कि अरे ये आवाज़ तो सुनी सुनी सी लग रही है, इट्स, वो कहता है कि इट्स इट्स इट शुड बी वो स्टीफेनो बोलने वाला है, बट स्टीफेनो तो मर चुका है, तो वो सोचता है कि स्टीफेनो इज ड्राउंड ऑलरेडी और ये जितने भी लोग जिसकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो सारे डेविल्स हैं। और ट्रिंक्यूलो सोच रहा है और प्रेयर कर रहा है कि प्लीज़ गॉड सेव मी, मेरे आसपास डेविल्स हैं। स्टीफेनो सोचता है कि ये जो है मॉन्स्टर, उसके चार पैर हैं और दो आवाज़ें हैं, एक्चुअली एक आवाज़ थी
इसकी, ट्रिंक्युलो की, और एक आवाज थी मॉन्स्टर की। अब स्टीफेनो बिजनेस माइंड से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को मैं एम्परर के पास लेके जाऊंगा और उसकी खासियतें बताऊंगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो सोच रहा है कि फोर लेग्ड क्रीचर विद टू वॉइसेस, वाओ बहुत ही स्पेशल है ये मॉन्स्टर। एक वॉइस जो है वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और दूसरी वॉइस उसके फ्रेंड के बारे में बोल रहा है, तो ये तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। द अदर वॉइस इज हार्श एंड अब्यूजिव, आई कैन चार्ज इवन मोर फॉर दिस। यानी कि वो एम्परर के पास लेके एम्परर को स्टीफेनो बताएगा कि इसकी दो आवाज़ें हैं, एक वो बहुत ही कोमल सी है और दूसरी हार्श है। और फिर वो कहता है चलो चलो कैलिबन अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें और पिलाता हूँ। दैट्स गुड दैट्स गुड, नाउ आई विल पोर सम मोर इन योर माउथ। ट्रिंक्युलो को यकीन हो जाता है कि ये तो स्टीफेनो ही है। ट्रिंक्युलो चिल्लाता है स्टीफेनो स्टीफेनो, सोचता है कि इज योर अदर माउथ कॉलिंग माई नेम, क्या तुम्हारा दूसरा मुंह मेरा नाम बुला रहा है? ये मॉन्स्टर नहीं है, ये तो डेविल है, मैं तो इसको अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे डेविल्स के साथ मिक्स होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रिंक्युलो कहता है कि स्टीफेनो, अगर तुम स्टीफेनो हो तो मुझे टच करो और मुझसे बात करो, मैं ट्रिंक्युलो हूँ, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त ट्रिंक्युलो। स्टीफेनो कहता है कि अगर तुम ट्रिंक्युलो हो तो बाहर आओ, मैं ये जो छोटे पैर है उसको खींचता हूँ और ये जो छोटे पैर हैं जो कि अलग लग रहे हैं फ्रॉम द मॉन्स्टर्स लेग, तो वो तुम्हारे ही होंगे, तो मैं ये जो छोटे पैर है वो खींच रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है कि ट्रिंक्युलो को उस पर्टिकुलर गारमेंट से बाहर निकालता है वो, और फिर स्टीफेनो को शॉक लगता है। वो कहता है कि अरे यू आर ट्रिंक्युलो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, इस मॉन्स्टर के कपड़ों के अंदर क्या कर रहे हो? ट्रिंक्युलो को भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में स्टीफेनो है, और ट्रिंक्युलो उसे बताता है कि मैंने सोचा कि ये जो मॉन्स्टर है वो तो मरा हुआ है, शायद उसके ऊपर बिजली पड़ी है और उसकी वजह से वो घायल है। फिर ट्रिंक्युलो स्टीफेनो को कहता है कि तुम डूबे नहीं हो स्टीफेनो, वाओ दैट्स ग्रेट, क्या स्टॉर्म चला गया? मैं इस मॉन्स्टर के कपड़ों के अंदर इसलिए था ताकि मैं उस स्टॉर्म से बच सकूं, क्या तुम सच में जिंदा हो स्टीफेनो? और स्टीफेनो, नेपल्स के दो लोग जिंदा है, आई एम सो हैप्पी। और फिर ट्रिंक्युलो और स्टीफेनो दोनों खुशी से झूम उठते हैं, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। और उसके बाद स्टीफेनो कहता है कि प्लीज़ मुझे घुमाओ मत, मेरे साथ डांस मत करो, मेरा स्टमक थोड़ा सा गड़बड़ है। कैलिबान खुद को कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, अगर ये स्पिरिट नहीं है तो दीज आर गुड क्रीचर्स, और मुझे लगता है कि स्टीफेनो भगवान है। अब देखिए स्टीफेनो ने कैलिबान को दारू पिलाई होती है, तो इसीलिए कैलिबान को इतना अच्छा लगता है कि वो सोचने लगता है कि स्टीफेनो इज़ गॉड। वो कहता है कि इज़ अ गुड गॉड जो हेवन से लिकर लाया हो, और कैलिबान कहता है कि मैं उसकी पूजा करने लगूँगा। स्टीफेनो ट्रिंक्युलो को पूछता है कि भाई तुम कैसे जिंदा रहे, तुम यहाँ तक आए कैसे? और इस वाइन की जो बॉटल है उसकी कसम खा के मुझे सब बताओ। और फिर वो अपनी कहानी अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं एक पेड़ पे चढ़ गया था ये शोर के पास आने के बाद, और सेलर्स ने एक बैरल फेंका था दरिया में, और वो बैरल वाइन का था, और उस बैरल के ऊपर चढ़ के मैं इस शोर तक आ पहुंचा। कैलिबान स्टीफेनो को कहता है कि मैं तुम्हारा एक सर्वेंट बनना चाहता हूँ, यू आर माई गॉड, क्योंकि तुम्हारा जो लिकर है, तुमने मुझे जो पिलाया है, वो इस धरती से नहीं था, वो कुछ और ही था, आई फेल्ट सो गुड। स्टीफेनो कहता है ट्रिंक्युलो को, हियर मेरी जो बॉटल है उसकी तुम कसम खा के मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक आए कैसे? ट्रिंक्युलो कहता है कि मैं एक बतख की तरह तैरने लगा जब मैं पानी में गिरा, और मैं बहुत तेज स्विम कर सकता हूँ, ट्रिंक्युलो सेज। स्टीफेनो कहता है कि ये लो बाइबल और इसको किस करो और बाइबल की कसम खाओ और मुझे सच सच बताओ, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम बतख की तरह तैर सकते हो लेकिन तुम बतख जैसे दिख नहीं रहे, तुम एक गूस जैसे दिखते हो। और ट्रिंक्युलो जो है वो थोड़ी बहुत
वाइन और दारू पी लेता है, और ट्रिंकिलो फिर स्टीफेनो को कहता है कि स्टीफेनो तुम्हारे पास और दारू है क्या? स्टीफेनो कहता है कि भाई मेरे पास पूरा बैरल है, मैं एक केव के अंदर रहता हूँ जहाँ पे उस बैरल को मैंने छुपा के रखा है। फिर स्टीफेनो कैलिबैन को पूछता है, अरे मॉन्स्टर कैसा है तू, अभी फीवर चला गया? कैलिबैन कहता है कि तुम स्वर्ग से आए हो, है ना? स्टीफेनो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो चांद से आया हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं चांद से आया हूँ, मैं चांद पे रहने वाला एक इंसान हूँ, बहुत सालों पहले मैं चांद पे ही रहता था। एज यू नो स्टीफेनो इज ड्रंक और कुछ भी बोल रहा है, वो कैलिबैन को मूर्ख बना रहा है। और कैलिबैन कहता है कि अरे हाँ मैंने तुम्हें देखा हुआ है चांद पे, और मैंने तुम्हारी पूजा भी की है, मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो बीवी है, उसने मुझे बताया था कि तुम चांद के ऊपर हो और तुम्हारा एक कुत्ता भी है और तुम्हारा एक गार्डन भी है। सो ये दोनों जो है दे आर ड्रंक और कुछ भी बातें कर रहे हैं वो। स्टीफेनो कहता है कि कम ऑन, वो किसको कहता है, ट्रिंकिलो को, कि इस बुक, इस पर्टिकुलर बाइबल की कसम खाओ और मुझे वापस बताओ। और वो कहता है कि मैं ये जो बॉटल है वापस भरने वाला हूँ। कैलिबैन फिर से पीने लगता है और ट्रिंकिलो उसके सामने देखता है और कहता है कि ये जो, अगर आप इस मॉन्स्टर को अच्छी तरीके से देखो तो ये बहुत ही स्टूपिड सा मॉन्स्टर है। ट्रिंकिलो को बिलीव नहीं हो रहा कि वो इस मॉन्स्टर से डर रहा था, और फिर वो थोड़ा सा हंसता है ये सोचते हुए कि कैसे स्टीफेनो ने कैलिबैन को उल्लू बनाया ये कहते हुए कि वो चांद से है। कैलिबैन कहता है स्टीफेनो को कि मैं तुम्हें इस आइलैंड के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इंच इंच के डिटेल्स दूंगा, मैं तुम्हारी फीट को भी किस करूंगा, आई बेग यू प्लीज मेरे भगवान बन जाओ। ट्रिंकिलो कहता है कि कितना बेवकूफ, कितना झूठा मॉन्स्टर है ये, जब उसका भगवान यानी कि स्टीफेनो सो जाएगा तो ये उसकी वाइन की बॉटल छीन लेगा। तो ट्रिंकिलो का कहना ये है कि कैलिबैन इतना इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको वाइन बहुत पसंद है, उसको स्टीफेनो से कुछ लेना देना नहीं है। कैलिबैन कहता है वापस कि मैं आपसे बहुत फेथफुल रहूँगा, आई विल किस योर फीट, और मुझे प्लीज़ अपना सर्वेंट बना लीजिए, प्लीज़ बी माई गॉड। स्टीफेनो कहता है चलो ठीक है, गेट डाउन एंड स्वेयर इट, मतलब कैलिबैन को एक नया भगवान, एक नया ऑर्डर करने वाला मिल चुका है। ट्रिंकिलो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगा, कितना सिली है ये मॉन्स्टर, सड़ा हुआ बेवकूफ मॉन्स्टर, और वो कहता है कि इसको मारने का मन भी नहीं करता मुझे। स्टीफेनो कहता है कि चलो किस माई फीट। फिर ट्रिंकिलो कहता है कि द पुअर मॉन्स्टर्स ड्रंक, ये बेचारा बेवड़ा बन के बैठा है इसलिए ये सारे ऑर्डर्स मान रहा है, एन ऑफुल मॉन्स्टर, अजीब सा मॉन्स्टर है ये सच में। फिर कैलिबैन और भी लालच दिखाता है, वो कहता है कि मैं इस आइलैंड पे तुमको बताऊंगा कि फ्रेश पीने का पानी कहाँ से मिलता है, मैं जो फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, वो भी तोड़ के तुम्हारे लिए लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ के लेके लाऊंगा, मैं फायरवुड भी लेके आऊंगा, मेरा जो अभी मास्टर है, मेरा जो गॉड है, वो इतना हरामी है कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि वो नर्क में जाए, और मैं उसके लिए लकड़ियाँ नहीं लाने वाला क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, यू आर अ वंडरफुल मैन। ट्रिंकिलो फिर से सोच रहा है कि वॉट अ सिली मॉन्स्टर, कितना बेवकूफ मॉन्स्टर है, वो बेवकूफ इसीलिए भी है कि वो स्टीफेनो को भगवान मान रहा है। कैलिबैन वापस स्टीफेनो को बेग कर रहा है और कहता है कि लेट मी शो यू कि आपको क्रैब्स खाने के लिए क्रैब्स कहाँ पे मिलेंगे, और मैं मेरे लंबे लंबे जो फिंगर नेल्स हैं, नाखून हैं, वो ज़मीन के अंदर होल करके आपको निकाल सकता हूँ, अच्छे अच्छे रूट्स, अच्छे अच्छे क्रैब्स खाने के लिए, और बर्ड्स के नेस्ट भी कहाँ पे है मैं आपको बताऊँगा, और एक बंदर को कैसे पकड़ते हैं मैं आपको सिखाऊँगा, और हेज़लनट्स कैसे पकड़ते हैं, हेज़लनट्स कहाँ पे है, और मैं आपके लिए बर्ड हंटिंग भी कर सकता हूँ उन पत्थरों पे चढ़ के। तो कैलिबैन कहता है कि क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप मेरी बातों को मानोगे?
स्टीफेनो कहता है कि यार ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हमें दिखाओ जो भी तुम कहते हो हमें दिखाओ। ट्रिंकिलो को स्टीफेनो कहता है, स्टीफेनो ट्रिंकिलो को कहता है कि देखो राजा और सारे बाकी के लोग तो मर चुके हैं, सारे के सारे लोग डूब चुके हैं, तो इस आइलैंड के हम हो गए राजा और हमारा हो गया आइलैंड। तो स्टीफेनो जो है वो ट्रिंकिलो को कहता है कि ये लो मेरी वाइन की बॉटल पकड़ो मेरे दोस्त, और हम बॉटल को वापस भरेंगे बहुत ही जल्द। और कैलिबैन भी नशे में धुत हो चुका है और वो गाने लगता है, वो गाता है गुड बाय मास्टर गुड बाय। ट्रिंकिलो कहता है अ लाउड माउथ ड्रंकन मॉन्स्टर, शोर करने वाला बेवड़ा। कैलिबैन अपना जो है सॉन्ग कंटिन्यू करता है और वो गाता है कि मैं आपके लिए कोई डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, मैं मछली भी नहीं पकड़ूंगा, मैं लकड़ियां भी नहीं लाऊंगा जब आप मुझे ऑर्डर करोगे, मैं प्लेट्स भी क्लीन नहीं करूंगा और डिश वॉश भी नहीं करूंगा, और ये मेरा नया मास्टर है। सो गेट अ न्यू सर्वेंट, वो प्रॉस्पेरो को गालियां देते हुए कहता है कि गेट अ न्यू सर्वेंट, दूसरा नौकर ढूंढ लो क्योंकि मेरा मास्टर मुझे मिल चुका है। और फिर कैलिबैन खुश होते हुए कहता है फ्रीडम, कितना अच्छा दिन है आज, फ्रीडम मिल गया मुझे, फ्रीडम मिल गया प्रॉस्पेरो से। स्टीफेनो कहता है कि गुड मॉन्स्टर हमें राह दिखाओ, तुम जो कह रहे हो फ्रेश पानी खाना पीना वो सब हमें दिखाओ। दिस इज द एंड ऑफ एक्ट टू सीन टू। अगर आपको क्वेश्चंस हैं इश्यूज हैं मुझे बताओ और मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे।